किस प्रकार का धोखा और प्रपंच ये रचते हैं। कपटी भारतीय जनता पार्टी का यह कृत्य गैर कानूनी भी है। इन 1 करोड़ लोगों को, सबसे गरीब जो हैं, उनके साथ इससे बड़ा प्रपंच और धोखा क्या हो सकता है। ये खुद कानून के खिलाफ है जो उन्होंने बनाया। ये है भारतीय जनता पार्टी का शिवराज मॉडल ऑफ धोखा, रेडियो दबिस्तान शिवराज सिंह चौहान का तरीका। 5 अगस्त को जब उन्होंने कहा कि गरीबों के बिल आ रहे हैं ज्यादा, तो मुख्यमंत्री और भाजपा सरकार ने अपने आप को, अपना खुद का चेहरा बेनकाब कर दिया। क्या शिवराज सरकार की, भाजपा सरकार की सारी घोषणाएं ऐसे ही धोखे और झूठ की बुनियाद पर है? शिवराज सिंह चौहान रेडियो गपिस्तान है, उनका आंकलन से कभी कोई मतलब रहा ही नहीं। उनका काम है सबको बेवकूफ बनाना, जैसा मोदी जी कहा करते थे ना, झूठ बोलो और झूठ बोलो। शिवराज सिंह चौहान का प्रदेश की जनता के साथ किया गया एक बेहद घृणित और षड्यंत्रकारी चेहरा सामने आया और एक सनसनीखेज खुलासा है जो बहुत संक्षिप्त में मैं आपके सामने रखूंगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अगस्त माह में बुंदेलखंड के नौगांव के एक कार्यक्रम में जनता से कहा, एंड आई कोट, उन्होंने कहा, मुझे बताया गया है कि बिजली के बिल बहुत ज्यादा आ रहे हैं। सब लोग खड़े हो और एक स्वर से उन्होंने कहा कि हाँ, ये सच है, बहुत ज्यादा बिल आ रहे हैं, और जनता की कमर टूट गई। तब शिवराज सिंह जी ने मन से घोषणा की, एंड आई कोट, मैं गरीब जनता के, जिनके कनेक्शन 1 किलोवाट तक के हैं, उनके बिजली के बिल छोड़ता हूं और समीक्षा करके बढ़े हुए बिल मैं भरूंगा। यानी शिवराज सरकार भरेगी। साथियों, यहीं से शुरू हो गई शिवराज सरकार और भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश के 1 करोड़ लोगों से बेईमानी और धोखेबाजी की कहानी। इसके 4 सिलसिलेवार पहलू हैं जो मैं आपके समक्ष रखूंगा। नंबर 1, शिवराज सिंह जी की इस घोषणा के बाद मध्य प्रदेश शासन के ऊर्जा विभाग ने 1 सितंबर 2023 को एक आदेश निकाला। उस आदेश की कॉपी मैं आपको भेज रहा हूं, यह उसकी एक कॉपी है। और बिल माफी करने की बजाय उस आदेश में लिख दिया कि ये बिल टेम्परेरी मुलतवी किए जाते हैं, यानी आस्थगित किए जाते हैं। मैं उसकी एक लाइन सिर्फ पढ़ दूं, राज्य में 1 किलोवाट तक के समस्त घरेलू उपभोक्ताओं के बकाया बिलों की राशि को आस्थगित किया जाए। यहीं से बेईमानी शुरू हो गई। 1 किलोवाट तक के उपभोक्ताओं के बिलों की राशि की एक फूटी कोड़ी भी माफ नहीं हुई आज तक। यह घोषणा उन्होंने की थी 5 अगस्त 2023 को, और 20 लाख के करीब ऐसे उपभोक्ता हैं जिनका लोड 1 किलोवाट है, ये सबसे गरीब है। आज तक एक फूटी कोड़ी माफ नहीं हुई। पहली बेईमानी तो इसी आदेश में कर दी गई। दूसरा पहलू, शिवराज सरकार का फरेब, भाजपा का फरेब और घिनौना है। 1 सितंबर को यह आदेश जारी होता है, इसके ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश के उन 18 से 20 लाख परिवारों के साथ एक और घृणित षड्यंत्र करती, और आप चौंक जाएंगे ये सुनकर। तीनों विद्युत वितरण कंपनियों ने इनमें से 90% से अधिक उपभोक्ताओं का लोड 1 किलोवाट से अपने आप 2 किलोवाट कर दिया, तो ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। यह इसलिए किया ताकि टेम्परेरी बिल का भी फायदा इन गरीब परिवारों को ना मिले, ऐसा बनता। और मेरे साथी हैं सौरभ जी,
इनकी हमने ड्यूटी लगाई, मेरे बाएं हाथ को बैठे हैं हमारे भाई हैं अभय दुबे जी, और मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने फिर इसका 21 जिलों के 38 डिवीजन के डेटा का आकलन किया, क्योंकि मैं इल्जाम लगाकर चला जाऊं उसके कोई मायने नहीं। तो इन कंपनियों में से हमने 21 जिलों के 38 डिवीजन्स के 385,953 उपभोक्ताओं के डाटा को एकत्रित किया, और जो सामने आया वो सब बहुत चौंकाने वाला है। उनमें से एक मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये साथी हैं खजुराहो से, इनका ये बिल है 22 मई 2023 का, लोड है 0.75 किलोवाट, यानी 1 किलोवाट से कम। और इसका अगला बिल है जो हमने निकाला 10 जुलाई यानी के घोषणा से ठीक पहले, लोड अपने आप बढ़ाकर कर दिया 2 किलोवाट। तो ना रहेगा बांस, धोखा रेडियो गपिस्तान शिवराज सिंह चौहान यही करते आए हैं 18 साल से, सबके बिल ही बढ़ा दिए। और मैंने इसलिए 383,000, आप में से जो साथी हार्ड कॉपी देखना चाहे वो जिला वाइज मैंने यहां रख दी, पेन ड्राइव में आपको हम ये 383,000 कस्टमर्स का रिकॉर्ड दे रहे हैं, ताकि पत्रकार मित्र, छायाकार मित्र, टेलीविजन के मित्र इसका आकलन कर सके किस प्रकार का धोखा और प्रपंच ये रचते हैं। धोखा नंबर 3, कपटी भारतीय जनता पार्टी का यह कृत्य गैर कानूनी भी है, क्योंकि मध्य प्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता 2021 की के खिलाफ है। उसमें साफ लिखा है कंडिका 7.3, 7.4, 7.17 में कि अगर किसी उपभोक्ता का लोड बदला जाएगा या बढ़ाया जाएगा तो वो बाकायदा एक दरख्वास्त देगा, उसके लोड का आकलन करेंगे, लोड का आकलन उसकी मौजूदगी में होगा, उसके बाद वो एक्स्ट्रा पैसा जमा करेगा और बिजली वितरण कंपनियां एक एग्रीमेंट उससे साइन करेंगे। पर इन लगभग 18 से 20 लाख कस्टमर्स का जो लोड बढ़ा दिया गया शिवराज सिंह चौहान द्वारा चोर दरवाजे से, उनमें ना तो उपभोक्ताओं ने आवेदन दिया, ना किसी ने जाकर फिजिकली उनके लोड का आकलन किया, ना कोई एग्रीमेंट हुआ, ना मौके पर कोई गया ताकि इनका बिल्स का अस्थायी स्थगन भी ना करना पड़े। और कोई लाभ अगर 18 से 20 लाख परिवार हैं, 5 व्यक्ति हो तो 1 करोड़ लोग सीधे प्रभावित हो गए। इन 1 करोड़ लोगों को, सबसे गरीब जो हैं, उनके साथ इससे बड़ा प्रपंच और धोखा क्या हो सकता है। ये खुद कानून के खिलाफ है जो उन्होंने बनाया। और चौथा धोखा, चौथा पहलू, बिजली विभाग 1 किलोवाट पर 150 यूनिट की कंजम्पशन का आंकलन करता है। ये बिजली विभाग का मापदंड कि अगर मेरा लोड 1 किलोवाट है तो मैं 150 यूनिट कंज्यूम करूंगा। अब आपने मेरा लोड मुझसे बगैर पूछे, बगैर आंकलन के, केवल मैं, मुझे फायदा ना देना पड़े, 2 किलोवाट कर दिया तो वो 300 यूनिट हो गया प्रति माह। अब जब 300 हो गया, आपको पता है ये अपने आप में ही चोर रास्ते से जेब पर डाका है, क्योंकि ज्यादातर बिल एवरेजिंग के आधार पर देते, तो अगर 1 किलोवाट था तो बिल उसके मुताबिक आता, अब 2 हो गया तो हर गरीब का बिल अपने आप बढ़कर आएगा। तो बैठे बिठाए उसके ओरिजिनल पैसे भी गए और उसके डबल का बिल आना शुरू हो जाएगा। यह है भारतीय जनता पार्टी का शिवराज मॉडल ऑफ धोखा, रेडियो गपिस्तान शिवराज सिंह चौहान का तरीका। इसके विपरीत एक मॉडल और भी है। हम 5 सवाल आज चंद दिनों के मेहमान कार्यकारी मुख्यमंत्री
शिवराज सिंह चौहान रेडियो दपिस्तान से पूछेंगे, पर उससे पहले दूसरा मॉडल भी मैं बताना चाहूंगा कांग्रेस का क्या। 5 अगस्त को जब उन्होंने कहा कि गरीबों के बिल आ रहे हैं ज्यादा, तो मुख्यमंत्री और भाजपा सरकार ने अपने आप को अपना खुद का चेहरा बेनकाब कर दिया। इसके विपरीत कमलनाथ जी के नेतृत्व वाली कांग्रेस की सरकार इंदिरा गृह ज्योति योजना लेकर आई थी, और जब हमारी 15 महीने सरकार थी तो हम 150 यूनिट तक बिजली खपत करने वाले उपभोक्ताओं को 100 यूनिट पर 1 रुपया पर यूनिट का बिल देना पड़ता था। तो कुल जो इस प्रकार के 1,15,00,000 बिजली उपभोक्ता थे, उसमें से 1,02,000 उपभोक्ता 150 यूनिट तक ही बिजली खपत करते थे, तो वो सब इस योजना के दायरे में आ गए, और 87,00,000 उपभोक्ताओं का बिजली का बिल 100 रुपया से कम आने लगा। ये कांग्रेस ने किया था, और आज तो हम देख रहे थे, मैं आपको बॉदर नहीं करूंगा उन डॉक्यूमेंट से इकट्ठा कर करके एक एक गरीब का बिल 5,5,6,6,7,7,8,8,10,10,000 रुपया आ रहा है। अब कांग्रेस ने फिर वचन दिया, और प्रदेश के जो किसान हैं उनको 44 पैसे प्रति यूनिट तक 10 हॉर्स पावर की मोटर पर चुकाने होते थे, जो देश की सबसे सस्ती बिजली कांग्रेस ने ली थी। अब फिर हम कहते हैं कि 100 यूनिट तक 0 बिल आएगा, यानी लगभग 1,00,00,000 लोगों का हमें अनुमान है कोई बिल नहीं आने वाला मध्य प्रदेश में। 1,00,00,000 बिजली उपभोक्ताओं का कांग्रेस की सरकार बनने पर कोई बिल नहीं आएगा, और 200 यूनिट तक का बिल हाफ हो जाएगा। इसी प्रकार 5 हॉर्स पावर तक की मोटर है अगर किसान की, उसका भी कोई बिजली बिल नहीं आएगा। क्या ये गरीब परिवार अब इनका लोड, क्योंकि 2 किलोवाट हो गया बिजली का बिल भी ज्यादा आएगा, तो कहीं ये अब गरीबी रेखा की परिधि से षड्यंत्र पूर्वक तरीके से बाहर तो नहीं कर दिए जाएंगे? चाहिए षड्यंत्र इसलिए भी किया गया कि इधर बिजली बिल बढ़ा दो उधर राशन का पैसा भी बचा लो। क्या शिवराज सरकार की, भाजपा सरकार की सारी घोषणाएं ऐसे ही धोखे और झूठ की बुनियाद पर है? शिवराज सिंह चौहान रेडियो गपिस्तान है, उनका आंकलन से कभी कोई मतलब रहा ही नहीं। उनका काम है सबको बेवकूफ बनाना, जैसा मोदी जी कहा करते थे ना, झूठ बोलो और झूठ बोलो, तो वो उनके असली शिष्य हैं। उन्होंने आकलन की कभी इसलिए जरूरत नहीं समझी कि लोगों के लिए काम करने की जरूरत नहीं समझी।